हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पिछले डेढ़ महीने से रोहतक शहर के अनाज और सब्जी मंडी में कुछ युवकों का गिरोह हथियार के बल पर लोगों से लूटपाट करता था, जिसकी कई शिकायतें शहर के अलग अलग थानों में दर्ज थी। पुलिस ने इस मामले की जांच CI-1 और CI-3 को सौंपी थी। जांच के दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। आजाद के नेतृत्व में और CI-3 ABD स्टाफ हमारे इन दोनों को टीम तैयार करेगी इनकी, और इनकी टीम के अंदर सबसे पहले 18 तारीख को CI-2 में इंचार्ज आजाद सिंह ने जो है 6 लड़के इसके अंदर गिरफ्तार किए हैं, वीरेंद्र, अंकित, सचिन और विजय और दीपक। ये 18-19 तारीख में गिरफ्तारी की गई इनकी। इनसे हमें 6 वेपन बरामद हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। उसके बाद CIA की टीम जो हमारे APD स्टाफ है, इन्होंने 5 लड़के बाद में पकड़े हैं, कालू सुनील एरिस कालू, एक जॉन्टी एरिस सारस, प्रिंस और साहिल। और इन लड़कों ने, एक में अमन नाम का लड़का है, ये 5-6 लड़के हैं, इनका यही काम था कि वारदातें करना, पैसे सेनाइज करना, जिनके हमारे कम 7 मुकदमे हमारे पास इनके पहले से दर्ज हैं और फिलहाल इनको मुकदमे में गिरफ्तार करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है।